हेलो चिल्ड्रेन, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। अच्छे हो सब लोग? ऑल वेल? हैप्पी? अच्छे नहीं हो? भूख लगी है? सुबह चाय वाय पिए कि नहीं? नाश्ता वास्ता किया है? ब्रेकफास्ट? यस, यू ऑल हैव डन योर ब्रेकफास्ट, बॉयज गर्ल्स? यस, अभी कुछ दिन पहले मैंने कॉल्स किए थे ना आप लोगों के पेरेंट्स को, उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो मेरे से बात भी किया था। एक कौन था, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन एक ऋषभ था, एक देव क्या ना सूर्यवंश केस कुछ नाम था, एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से कॉल बात भी की थी और गर्ल्स ने भी बात किया था। एक आन्या की कोई दिव्या कर दिया करके भी कोई थी गर्ल्स, तो उन्होंने भी मेरे साथ बात की थी। तो बेटा अच्छे हो ना सब लोग? यस, ऑल वेल। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू थिंग। यस, आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले, एक स्टोरी सुनाने वाले। यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये मैं है ना इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कौन सी स्टोरी। यस, ये वाला क्या लिखा है, ये ग्रीडी गेट कीपर्स, ग्रीडी गेट कीपर्स। ओके, सो चलो बेटा, तो हमने लास्ट लेक्चर में है ना कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखे थे, राइट? तो आज हम लोग है ना गेट कीपर्स, वो भी कैसे थे, ग्रीडी थे। ग्रीडी गेट कीपर्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। सी, हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज, ग्रीडी गेट कीपर्स। ग्रीडी गेट कीपर्स, ग्रीडी का मतलब बेटा होता है लालची। क्या होता है, लालची। यानी जो बीरबल और अकबर थे ना, ये उसकी आज हम लोग स्टोरी देखने वाले, ठीक है? तो आप सब लोग यहाँ पे बेटा कॉन्सेंट्रेट करना, कुछ फ्लैशिश हो रहा है, एकदम अच्छे दिख रहा है ना वीडियो, एकदम कम्प्लीटली हो रहा है ना? ओके, तो बेटा बहुत बहुत यानी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे है ना हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ओके, सो ऑल हैव टू हियर। यस, एंड सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, बी कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू। ओके, सी, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, ओके, ग्रीडी गेट कीपर्स। गेट कीपर का मतलब क्या होता है, यस, जो हाँ जो गेट पे खड़ा रहता है ना, आप लोग स्कूल पे आते हो तो स्कूल का जो गेट है वहाँ पे एक वॉचमैन जैसा खड़ा रहता है ना, दैट इज कॉल्ड गेट कीपर। ओके, यानी वो गेट को संभालता है, गेट को भी और पूरे स्कूल का भी ध्यान रखता है। और राइट, तो ये जो ये बीरबल था, ये बीरबल कहाँ जा रहा, बीरबल तो कौन था, पोएट था। कौन था, पोएट। तो बीरबल जो मतलब उसकी स्टोरी जो ऐसी है ना कि वो मतलब धीमे धीमे बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद उसके अंदर बहुत सारे मतलब स्किल्स थे। ओके, स्किल्स का मतलब है बहुत सारी अच्छी अच्छी उसके पास नॉलेज थी, तो वो नॉलेज को इम्प्रूव कैसे करेगा उसने ये सोचा। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन मैं बता देता हूँ, ग्रीडी का मतलब कहते हैं लालची, गेट कीपर। यानी मानो आप लोग स्कूल में आ रहे हो, ठीक है, विथ योर पेरेंट्स, और वो कोई गेट कीपर ऐसे बोलते, बोले नहीं मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर कोई कोई होता है ना, जैसे पुलिस, यस, हमारी यहाँ की जो पुलिस है ना वो क्या करती है, बाइक लेके या पापा कहीं कार लेके जाते होंगे ना, तो सीधे खड़े रखते, चलो शो मी योर लाइसेंस, लाइसेंस बताओ। लाइसेंस नहीं होगा मानो कि हमारे पास, तो क्या बोलेगा, वो मेमो बनाएगा ना, मेमो, यस, जिसको हिंदी में चलन बोलते हैं, राइट। फिर क्या करेंगे, बोलेगा ठीक है मेमो नहीं बना रहा हूँ, चलो 100 रुपीज़ दे दो। तो मानो 100 रुपीज़ निकाल के दे दिया, तो वो लालची हुआ। क्या हुआ, वो लालची, यानी लालच एंड बेट बहुत बुरी बला है, लालच बहुत ख़राब चीज़ होती है। देखो जब भी किसी को लालच लग जाती है ना, देन वो इंसान फिनिश हो जाता है। ओके, चलो यहाँ पे देखो, तो बेटा ये हमारा ये लेक्चर के अंदर हमको ये स्टोरी कंप्लीट करना है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, आप लोग के पास बुक है, बुक के अंदर ध्यान देना, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे देखो पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है सबको? यस, ऑल हैव टू एबल टू सी हियर। रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। क्या लिखा है फिर, मैथ मैजिक क्लास 4 पेज नंबर 14। अच्छा, तो याद करो 4th स्टैंडर्ड, आपको याद है बीरबल के क्या लिखा है, रिमेंबर बीरबल, रिमेंबर बीरबल क्या लिखा है, द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। आपको बीरबल याद है, यस, कौन था बीरबल, मिनिस्टर था। कहाँ का मिनिस्टर था वो, मिनिस्टर यानी मंत्री, बराबर। मिनिस्टर का मतलब क्या होता है बेटा, मंत्री होता है। कहाँ का मिनिस्टर था, जो अकबर किंग था ना, अकबर उसका जो कोर्ट होता है, कोर्ट, कोर्ट यानी उसको हिंदी में दरबार बोलते हैं। आप लोग पता है वो राजा बैठते हैं, फिर और भी लोग ऐसे बैठते हैं, फिर और ऐसे सब लोग बैठते हैं, और फिर यहाँ पे मेन जो उनका हेड होता है ना, मतलब मेन सीट होती है ना, वहाँ पे कौन बैठता है, किंग बैठता है।
तो वहाँ का वो मिनिस्टर था, ठीक है, और बहुत क्लेवर था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत चतुर था, ठीक है। क्या लिखा है आपको, मैजिक की जो फोर्थ की बुक है ना उसके अंदर दिया है, देखो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना मैथ मैजिक, उसके अंदर पेज नंबर 14 पे दिया है, याद है, वो एक लाइन ड्रॉ करता है और फिर बोलता है कि इसमें से मुझे ये लाइन को टच किए बिना इसको बिग करके बताओ, बिग या स्मॉल करने को बोलता है ना, यस पता है आप लोगों को, पेज नंबर 14 ये रहा, देखो ये रहा, बोलता है ना ये कि ये जो है ना ये अकबर्स लाइन है ना, अकबर ने बोला और बीरबल्स लाइन, तो बीरबल ने क्या बोला, सॉरी अकबर ने क्या बोला, ये लाइन को टच भी नहीं करना है और ये लाइन को स्मॉल करके बताओ। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल तो क्लेवर था एकदम इंटेलिजेंट, इसने ये लाइन को टच भी नहीं किया और नीचे और एक लाइन ड्रॉ कर दी, और वो ड्राइंग कैसी बनाई उसने, लंबी बनाई, लॉन्ग बना दिया, ये लाइन से लॉन्ग बना दी, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली कैसी हो गई, छोटी हो गई, है ना, इसको टच भी नहीं किया। देखो पेज नंबर 14 राइट। तो बेटा तो ये जो है ना बीरबल की जो स्टोरी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगी आप लोगों को, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो हमने देखा फिर क्या लिखा है, ओके, डू यू नो हाउ द बिकेम मिनिस्टर, क्या आप लोगों को पता है बेटा कि ये जो बीरबल था वो मिनिस्टर कैसे बना, यानी सबसे पहले तो आपके और मेरे जैसे मतलब लड़का ही होगा ना, ओके, फिर वो मतलब लड़का होगा फिर धीमे धीमे बड़ा होगा, वो डायरेक्ट मिनिस्टर थोड़ी बन गया होगा, उसने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना, कुछ इंटेलिजेंट काम किया होगा, किंग को पता चला होगा कि हाँ ही इज़ अ वेरी वेरी क्या बोलते हैं ना, यस माइंड बहुत है उसके पास, ओके, सुपर माइंड ब्लोइंग है वो, मतलब इंसान वो क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है, राइट। तो फिर उसने ये सोचा होगा, टेस्ट किया होगा बीरबल का, तब जाके अकबर ने बीरबल को मिनिस्टर बनाया होगा। चलो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू, बिकॉज दैट बहुत लंबी स्टोरी है बेटा, ओके। सी बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज, ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। तो जब बीरबल यंग लड़का था, यंग यानी बहुत छोटा भी, आपके जैसा छोटा भी नहीं था और मेरे जितना बहुत बड़ा भी नहीं था, मेरे से छोटा और आप लोगों से बड़ा, ओके, यानी दोनों के बीच का, यस, आपसे बड़ा और मेरे से छोटा, हम दोनों के बीच का, यानी वो यंग बॉय था, ठीक है, और यंग बॉय था ना, वो गाँव में रहता था और वो क्या लिखता था, पोएट्री, पोएट्री का मतलब क्या था, वो कविताएं लिखता था, क्या लिखता था बेटा, कविताएं। फिर क्या होता है, ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट, उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि ये जो मेरे में स्किल है ना, ये मेरे में जो इंटेलिजेंस है ना, ये मुझे किंग के सामने शो करना है, यानी मुझे राजा को बताना है, तो शायद कुछ मुझे प्राइज मिल जाए या फिर मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बराबर, वो पोएट तो था ही, यस, पोएट क्या करता है बेटा, पोएट्री लिखता है, कविताएं लिखता है ना, ओके, तो वो क्या सोचता है कि मुझे किंग को बताना है। सो He took some of these poems and set off for the city. उसने कुछ सेट बनाया, कुछ कविताएं ली, उसका मतलब अच्छा सेट बना लिया, 10-12 या 20-25 कुछ कविता होगी, उनका पूरा बंच बनाया, सेट बनाया, और वो शहर क्यों निकल गया, सिटी के अंदर निकल गया, जहाँ पे राजा का दरबार था, यानी कि जो राजा का महल था उसकी कोर्ट में गया, ठीक है। फिर क्या होता है, When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. जब वो गया ना महल में, यानी जो किंग का पैलेस है ना, तो आउटर साइड, आउटर यानी जो सबसे पहला गेट होता है, आप लोग स्कूल में एंटर होता है, कैसे एंटर होते हो, सबसे पहले फर्स्ट गेट आता है ना, वो फर्स्ट गेट हो, वहीं से आप लोग एंटर होता हो पाते हो ना, तो ये जब भी ये बीरबल गया ना, कहाँ पर गया था, किंग के पैलेस में, तो बेटा वहां पर है ना, उसने सबसे पहले वो गेट कीपर था, उसने उसको रोक लिया। फिर क्या होता है, और क्या बोला कि गेट कीपर ने रोक लिया और बोला, कहाँ गया, यस, हे स्टॉप देयर, हे यहीं पर रुक जाओ, वेर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो आप, शाउटेड द गेट कीपर, गेट कीपर ने क्या बोला, हे कहाँ जा रहे हो, यहीं पर रुक जाओ, चलो अंदर नहीं जाना है, ऐसे मना कर दिया, ओके, आगे देखो बेटा, आप लोग ये बुक में भी ध्यान देना, ठीक है, और बुक में भी ध्यान देना, और उसके बाद ये जब मैं लेसन, ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए बेटा, उसके बाद ये जो है ना, ये टॉपिक, ये स्टोरी अच्छे से पढ़ना और समझना कि सर ने क्या समझाया था, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, आई एम अ पोएट, यानी कि मैं एक कवि हूँ, मैं एक पोएट हूँ, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम, रिप्लाई द पोएट,
क्या बोला उसने, अकबर ने क्या बोला कि मैं एक कौन हूँ, पोएट हूँ, पोएट यानी जो कविता है गाता है वो, मैं पोएट हूँ और मेरी कुछ पोएट्स है ना वो मुझे अकबर को दिखानी, यानी मुझे अकबर को मिलना है, ठीक है, अकबर को मुझे मिलना है, मेरी कुछ पोएट्स उनके जो जो थी ना उसने जो लिखी थी कविता है उसको दिखानी है। ओके फिर क्या बोलता है, ओ यू आर अ पोएट, ओके यानी आप पोएट हो, कौन बोला ऐसा, फर्स्ट वाला जो गॉट गेट कीपर था उसने, द किंग इज काइंड ही विल सर्वे, एक मिनट मुझे थोड़ा दिखने में नहीं पा रहा है, सॉरी, ओ यू आर पोएट, उसने बोला ओ अच्छा आप पोएट हो, द किंग इज काइंड यानी जो राजा है ना वो बहुत दयालु है, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, वो आपको श्योरली मतलब पक्का आपको कुछ ना कुछ प्राइज तो देंगे ही क्योंकि आप पोएट लेके जा रहे हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये बीरबल है ना, ये बीरबल है और ये गेट कीपर, ठीक है, देखो सबसे पहले तो बड़ा वाला जो गेट के देखो कैसे एकदम चिल्ला रहा है उसके ऊपर, शाउटेड लिखा था यहाँ पे, मतलब जोर से चिल्ला रहा है, बोले मैं नहीं जाने दूंगा, मतलब मुझे अंदर जाना, ये बीरबल बोल रहा था तो इसने मना किया, बोले नहीं ऐसे करके, फिर देखो ये रिक्वेस्ट करा है, ओके मतलब हमारा जो राजा फिर से क्या बोला कि हमारा राजा बहुत दयालु है, ही विल श्योरली गिव अ प्राइज, आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज। अच्छा क्या बोल रहा उसने कि मैं आपको अंदर जाने दूंगा, मैं आपको एंट्री दूंगा अंदर का गेट के अंदर, लेकिन आपको मुझे जो भी प्राइज मिले ना वो प्राइज का मुझे क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट गेट कीपर, ओके चलो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट गेट कीपर ने क्या बोला कि मुझे कितना हिस्सा चाहिए, 1/10, यानी आपको जो भी प्राइस मिले ना उसका मुझे 1/10 चाहिए। ओके तो फिर क्या होता है, देखो पीछे वाले पेज के ऊपर बेटा, ओके ओके नाउ यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे, यानी जो यंग बीरबल था ना एकदम वो जवान एकदम यंग यानी मतलब यंग लड़का था वो, उसने सोचा कि हाँ अब मेरे पास और भी कोई अदर वे है नहीं, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे एग्री होना ही पड़ेगा, तो उसने हाँ बोल दिया, हाँ कि मुझे जो भी प्राइस मिलेगा उसका 1/10, ओके कितना होता है मैं बता रहा हूँ, हमने इसके जो पहले लेक्चर था उसके अंदर सब कुछ सीखा है। ओके अब क्या होता है बेटा, उसके पास कोई था नहीं रास्ता, When he went in, जब वो अंदर चला गया, कौन अंदर चला गया, ये बीरबल, The gatekeeper calculated, उसने gatekeeper ने मतलब calculate करना शुरू किया, उसने मतलब चालू किया कि कितना क्या चालू क्या calculate करना किया, If he get 100 coins, if he get 100 coins, I will get dash gold coin। अच्छा तो गेट कीपर ने क्या सोचा कि मानो कि बीरबल को 100 coins मिलता है, तो 100 coins में से उसने कितना सोचा 1/10, तो हमको पता है 100 इसको 1/10 है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके अगर बेटा 100 से मल्टीप्लाई, सी मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 100 rupees है, उसमें से आपको मैं 1/10 दूंगा, कितना मैंने बोला 1/10, मेरे पास कितने रुपीज़ है बेटा 100 rupees, मैं आपको कितना दे रहा हूँ 1/10, तो 1/10 कैसे होगा, ऐसे करना पड़ेगा, या ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था ना इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या रख देते हैं 1, ओके ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ होता है, और ऐसे नहीं करना है ना, तो देखो सेम सेम नंबर हमेशा क्या होता है कट हो जाता है, ये भी मैंने सिखाया ना लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर ये जीरो कट हो गया, यहाँ पे ओनली 1 बचा और ये 1, उसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे 1 तो ओनली क्या आया 10, तो देखो यहाँ पर ये 0 गया, ओके तो क्या आया 10, तो ये फर्स्ट गेट कीपर ने क्या सोचा कि उसको 100 क्या बोला कि आपको 100 मतलब उसने बोला कि मुझे 1/10 चाहिए, फिर जो बीरबल को एंट्री दी बीरबल अंदर चला गया ना, फिर क्या बोला वो सोच रहा था कि बीरबल को 100 coins मिलेंगे गोल्ड कॉइंस यानी सिक्के, ठीक है सोने के सिक्के, मानो राजा ने बीरबल को 100 सिक्के दे दिए तो उसमें से मुझे कितना मिलेगा वो कैलकुलेट यानी सोचना मतलब गणना करने लगा क्या मतलब गिनने लगा, तो क्या सोचा बोले हाँ मेरे को 10 coins तो मिलेंगे। ओके नाउ अब क्या हुआ, तो ये ब्लैंक्स है ना ब्लैंक फर्स्ट ब्लैंक उसके अंदर आप क्या लिखोगे, देखो ये लिखा है मैंने 10 गोल्ड कॉइन्स। द पोएट केम टू द सेकंड गेट कीपर, पोएट जो था यानी वो जो कवि था ना वो सेकंड गेट के ऊपर गया, दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन
ओके बट यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस, पोएट एग्रीड। अब ये जो सेकंड गेट कीपर है ना, सेकंड गेट कीपर, ओके बेटा एक मिनट ना, यस क्या बोला उसने, सेकंड गेट मुझे कितना हिस्सा देना है, 2/5। फर्स्ट वाले ने कितना बोला, मुझे 1/10 दे देना आपको जो भी प्राइस मिले। सेकंड वाले ने क्या बोला, बोले मैं अंदर जाने दूंगा लेकिन मुझे कितना दे देना, 2/5 मुझे दे देना, ओके। क्योंकि अब फिर से भी बीरबल के पास कोई ऑप्शन नहीं था बेटा, उसने सोचा वो एग्री हो गया, ओके ठीक है लेकिन मुझे अंदर जाने दो, तो उसने सोचा कि ओके नो प्रॉब्लम, ओके उसके बाद क्या हो बेटा, 2/5 दे देना। द गेट कीपर हैप्पीली, गेट कीपर जो था ना, यस वो खुश हो गया, एंड कैलकुलेट हैप्पीली कैलकुलेटेड, पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइंस एंड गेट - गोल्ड कॉइंस। अच्छा तो उससे क्या बोला, यस कि मानो उसको 100 कॉइंस मिल रहे, किसको बेटा, बीरबल को। इसने भी सोचा, फर्स्ट ने भी सोचा कि 100 मिलेंगे उसको, जैसे 1/10 मुझे मिल जाएगा। सेकंड ने भी सोचा कि मानो किंग उसको 100 कॉइंस देते तो उसमें से 2/5 तो वो भी कैलकुलेट करने लगा। तो चलो हम भी इसका करते हैं, इसका भी 100 कितना होगा, कौन बताएगा। देखो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, हम तो नीचे हम लोग वन लिख देते ना, मैंने सिखाया आप लोगों को ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ नीचे का नीचे के साथ। देखो ऐसे नहीं कर रहे, तो आप लोग को ऐसे कट कर रहे हैं तो कट कर सकते हैं। देखो ये 500 कट होगा, 500 ये 100 को मैं बना देता हूँ 25 कितना होता है, 100 होता है ना, और ऐसे नहीं करना है ना, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। देखो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, 100 को 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 200, और नीचे कितना बेटा 5, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 हो गया 20, 00 ये 0 को ड्रैग किया, ओके ये 0 किया नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी शिफ्ट लगा दो, ये 0 यहाँ पे हो रहा है तो 5 का टेबल तो नहीं कर पा रहे ना, तो 40 आया, तो ये कितना आया 40। फर्स्ट गेट की सोचा मुझे 10 मिलेंगे, सेकंड ने सोचा मुझे 40 मिलेगा, तो अब देखते अब आगे क्या होता है। नाउ तो द पॉइंट रीच्ड द लास्ट गेट, अब जो पोएट है ना वो लास्ट गेट पे पहुंच गया, सबसे एकदम नज़दीक किंग का जो कोर्ट था ना, किंग का जो महल था ना पहले से एकदम उसके पास में, लास्ट गेट। द गेट कीपर सेड आई विल एलो यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी 1/2 ऑफ द प्राइस दैट यू गेट। द पोएट हैड नो अदर वे, ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड। अब लास्ट गेट कीपर ने की भी क्या बोला कि मैं अंदर जाने की परमिशन दूंगा, हाँ अंदर जा सकते हो लेकिन मुझे 1/2 प्राइस देना पड़ेगा। फर्स्ट वाले ने क्या बोला था, मुझे 1/10 दे देना। सेकंड वाले ने क्या बोला कि अंदर जाने दूंगा लेकिन जो भी किंग जो भी आपको प्राइस देगा ना उसका 2/5 मुझे दे देना, ओके। और इसने तो क्या बोल दिया, पूरा 1/2 बोल दिया, बोले मैं अंदर आपको अलाउ करूंगा, किंग के पास जाने दूंगा, जो किंग का जो मतलब मेन जो उनका रूम था ना, रूम यस बेडरूम बोलते हैं आप जो भी बोलो, उसके बाहर जो गेट था वो लास्ट वाला था, सबसे पहले मेन फिर सेकंड और फिर थर्ड। थर्ड वाले तो क्या बोल दिया, मुझे 1/2 प्राइस दे देना, क्योंकि उनके सारे गेट कीपर्स को पता था कि राजा कैसे बेटा बहुत दयालु है, बहुत अच्छे हैं, और ये पॉइंट को कुछ ना कुछ तो प्राइस मिलेगा। सो दैट तो इसने तो बोल दिया आपको जो भी मिलेगा उसका 1/2 प्राइस मुझे दे देना। तो अब इसने भी ये सोचा कि मानोगे इफ पोएट को 100 पॉइंट्स मिलेगा तो 1/2 यानी कितना होता है, मुझे कौन बताएगा। यस 1/2 कैसे लिखते बेटा, 1/2 को हम लोग 1/2 लिखते हैं। 1/2 कैसे लिखेंगे, 1/2, ठीक है। कोई भी चीज़ हो ना, जैसे कि मानो कि मेरे पास 100 रुपीज है, ओके तो 100 रुपीज का 1/2 करना तो उसको हमेशा 2 से डिवाइड करो। किसे डिवाइड करने का, 2 से। कोई भी नंबर हो उसको जब 1/2 बनाना हो, 1/2 यानी आधा आधा बनाना हो ना, तो हमेशा किससे डिवाइड करने का, ऑलवेज रिमेंबर 2 से उसको डिवाइड करना बेटा, ओके गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो इसलिए तो क्या बोल दिया, थर्ड गेट के बने मुझे 1/2 दे देना। तो देखो 1/2 कितना होगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको ऐसे ऐसे कट करा तो कटने को नीचे में बाल कर देता हूँ। ये 1 मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि हम लोगों को इसकी जो मतलब फॉर्मूले कैलकुलेशन जो करनी है ना, यस ओके, तो ये हम लोगों को इजी लगे ना इसीलिए, ओके बेटा। ये 40 दिख रहा है सब लोगों को, ओके। देखो अब ये 100 और 2 तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं। देखो इसका मैंने आपको सिखाया था ना, लास्ट लेक्चर में बताया था ना कैसे काटता है, देखो 1/2 और 100 नीचे वाले, तो ये 100 को मैंने बना दिया 52 जा, मैं क्या बना देता हूँ
52 सर, सोचोगे सर 50 का टेबल थोड़ी ना आएगा हमको, बेटा ये तो सिंपल है 100 है ना, तो 100 तो आप सोच सकते हो ना माइंड, यस मैथ मैजिक सब्जेक्ट है एंड विजय सर टीच योर मैथ मैजिक, ओके। सो आप लोग को ऐसे शॉर्टकट्स को सीखने ही है। तो ये 100 को मैंने कहा 52 जा, तो ये 2 और 2 कट हो गया, ऊपर नीचे कट होता है ना क्रॉस में, क्या बचा 50 और 1, तो 50 और 1 के साथ बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 50 बन जा 50, और ऐसे नहीं करना है ना, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करो, 100 बन जा 100, 2 बन जा 2, 100 को 2 से क्या करना है डिवाइड करना है, सी देखो ये 100 और 2, तो 2 5 जा 10, 0 0 ये 0 को ड्रैग किया नीचे, 2 से हम लोग टेबल नहीं बोल पा रहे हैं, दैट्स व्हाई अब ये आगे नहीं चलेगा ना, तो ये 0 यहां पे मैंने ऐड कर दिया, तो इसका कितना आया 50, गॉट इट। तो फर्स्ट वाले ने कितना ले लिया बेटा, फर्स्ट जो गेट कीपर था ना उसने 1/10 से जा, तो उसको 10 मिलेगा, 100 कॉइंस में से 10 तो वो ले लेगा, सेकंड गेट कीपर 40 कॉइंस ले लेगा, और लास्ट में तो 50, यानी पूरा हाफ बोल दिया था ना, ओके समझ में आ रहा है आपको। चलो अब देखिए आगे क्या होता है, अब फाइनली वो कहां पहुंच गया है, पॉइंट कहां पहुंच गया है, किंग जो था ना उसके पास पहुंच गया है, किंग के पास चला गया है पॉइंट। अब क्या होता है, अब मजा आएगी, देखो ये रहा, ये रहा, अब ये कुछ पोएट्री सुना रहा है, ये रहा किंग है ना, किंग अकबर। नाउ द गेट कीपर थॉट कि टुडे इज अ ग्रेट डे, उसने क्या सोचा कि आज तो मेरा बहुत ही अच्छा दिन है, यस टुडे इज अ ग्रेट डे, आज तो मेरा बहुत यानी बहुत सुपर है, क्योंकि वो खुश हो गया ना, क्योंकि वो क्या सोच रहा था, उसने क्यों ऐसे बोला ग्रेट डे आज मेरा बहुत लकी डे, उसने क्यों ऐसा सोचा, बिकॉज कि वो पोएट को मैंने एंट्री दे दी, पोएट को जो भी प्राइस मिलेगा मानो कि उसको 1000 मिला तो उसका हाफ यानी 500 हो गया वो मुझे मिलेगा, मानो किंग ने 100 कॉइंस दे दिए 100 कॉइंस तो उसका हाफ यानी 50 हो गया, तो 50 मुझे मिले, तो जो लास्ट गेट की मतलब वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था वो, ओके। नाउ क्या सोच रहा है डे, इफ गेट्स 100 गोल्ड कॉइंस आई विल गेट डैश, मानो 100 कॉइंस मिलता है ना किसको बीरबल को, तो ये गेट कीपर को कितना मिला, 100 का हाफ कितना होगा, तो इसके अंदर आप लोग लिख लो 50, क्या लिखोगे बेटा 50, देखो हमने किया ना 50 आया ना, ओके। और ये वाली ब्लैंक के अंदर ये 100 का 2/5 बोला था 2/5, तो ये वाली ब्लैंक में कितना आएगा 40, कितना आएगा 40, ओके। नाउ फिर उसने ये भी सोचा, क्या सोचा और उसने, आई विल गेट 50 ओके गोल्ड कॉइन्स, बट इफ ही गेट्स 1000 कॉइन्स वाव आई विल गेट डैश। अब उसने बहुत लालची था, देखो ये तीनों की तीनों वेरी ग्रीडी, बहुत लालची थे तीनों की तीनों, कितना लालच था इनके अंदर, पहले ने सोचा मुझे जो भी मिले वो बीरबल को जो मिलेगा 1/10 मुझे मिल जाएगा, दूसरे ने सोचा 2/5 मुझे दे देना, थर्ड वाले ने सोचा कि हाफ दे देना, इसने तो दो दो चीज सोच ली, हाँ देखो कितना लालच है उसके अंदर, आप लोग तो लालची नहीं हो ना, यस बोले चलो एक फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड के घर है ना आज कुछ अच्छी सी चीज़ बनी है, उसकी मम्मी हमको खाने को दे देगी, बेटा फिर पता चलेगा कि उसकी मम्मी ने कल के परसों बनाया था और बासी हो गया और आपको दिया और फिर पेट खराब हो गया, मे बी ऐसा तो नहीं होता है, किसी की मम्मी यानी आंटी होती ना आप लोगों की, तो आंटी होगी ना, तो आंटी किसी के साथ ऐसा नहीं करती, तो मैं जैसे बता रहा हूँ, मानो एक ऐसी चीज़ बताऊँ आपको, कहीं बाहर गए हो और कोई अंकल ने किसी ने भी आपको बोला बेटा मैं तेरे को 100 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट देता हूँ, आपको डेयरी मिल्क पसंद है, डू यू लाइक अ चॉकलेट, चलो चॉकलेट की जगह आपकी कोई फेवरेट पता चल गया उसको अंकल को, और बोला चल बेटा मैं तेरे को आइसक्रीम ये दिलाता हूँ, चल मेरे साथ चल मैं वहाँ से दिलाता हूँ, तो ऐसे किसी के साथ जाने का नहीं, ओके। नेवर यू हैव टू गो विथ एनी स्ट्रेंजर पर्सन, यानी कोई भी जो अनजान आदमी है अजनबी उसके पास कभी नहीं जाने का, ओके ओके चलो ना 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 कमन कमन, अभी देखो हमारा टाइम होते जा रहा, अभी ये लेसन अभी ये टॉपिक बाकी है हमारा, ओके ये स्टोरी बाकी है। तो इसने तो क्या सोच लिया कि 1000 कॉइंस मिलेंगे, 1000 तो मुझे कितना मिलेगा, सोचो 1000 का हाफ कितना है 500, कितना होगा बेटा 500, तो ये वाली ब्लैंक में आप लोग लिख दो, इसमें लिख देना 500, ओके। नाउ द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सेड योर वर्क इज वेरी गुड, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, राजा खुश हो गया। अब तो बीरबल ने उसको सारी जो पोएम्स है ना वो बताई, उसको सुनाई, और राजा वॉज वेरी हैप्पी, किंग वॉज वेरी हैप्पी, खुश हो गया, और क्या बोला बेटा किंग ने क्या बोला बीरबल को कि मैं बहुत खुश हूँ, आपको जो भी प्राइस चाहिए ना वो मांगो, ठीक है आपकी जो इच्छा हो मांगो प्राइस, ओके। नाउ माई लॉर्ड, उन्होंने बोला
मेरे मालिक हे मेरे राजा माई लॉर्ड आई वॉन्ट टू 100 slabs. क्या मांग लिया इसने, बीरबल ने क्या मांगा, मेरे राजा मेरे सरकार माई लॉर्ड, इस लॉर्ड का मतलब भगवान भी होता है, मेरे भगवान ऐसे भी बोल सकते हैं. राजा को बोले बीरबल ने कि आई वॉन्ट टू 100 slabs. स्लैब से नहीं क्या होता है, यस स्लैब्स चाटा. क्या मांग लिया उसने, 100 slabs. अरे भगवान ये क्या मांग लिया उसने, क्या मांग लिया काम, 100 slabs. स्लैब्स का मतलब क्या था, चाटा. चाटा मांग लिया, सब लोग चौंक गए. वो जो किंग का जो कोर्ट था ना, यस वहाँ पे जितने भी लोग और बैठे थे ना राजा के दरबार में, राजा खुद चौंक गए, खड़े हो गए एकदम से, उनके जो सीट थी ना उसके ऊपर से. फिर देखो क्या होता है, नाउ वॉट 100 slabs. क्या बोला, क्या 100 चाटे. द किंग वॉज शॉक्ड. राजा एकदम शॉक में हो गया, एकदम अलग मतलब चिंता, वो चौक गया एकदम से. वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट, कंप्लीट द स्टोरी. वॉट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट. ओके इसकी बात की स्टोरी हमको कंप्लीट करनी है, तो अब क्या हुआ होगा, यस क्वेश्चन मार के ना, तो क्या पोएट ने 100 slabs प्राइस में मिले होंगे या फिर और कुछ प्राइस में मिले होगा. बेटा इसकी स्टोरी मुझे पता है, आई हैव अ इनकम्प्लीट स्टोरी ऑफ दिस. ओके ये जो कम्प्लीट है ना इनकम्प्लीट, उसकी स्टोरी तो मैंने लिखी है. ओके देख लो, आप इसका शॉर्ट्स ले लेना. देखो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ. ओके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ये स्टोरी कंप्लीट करनी है इन योर नोटबुक. चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट देखो मैं अभी. चलो दिख रहा है सबको, ओके नाउ आई एम गोइंग टू रीडिंग. ओके चलो अब मैं रीड कर रहा हूँ, अब देखते हैं क्या होता है आगे क्या होता है. द पोएट गॉट 100 slabs एंड रिटर्न्ड हैप्पीली. क्या हो गया, यस जो पोएट था ना बीरबल, उसने 100 slabs लिए लेकिन उसने खाए नहीं 100 slabs. ओके अब क्या किया, राजा को बोला उसने कि यस किंग माय लॉर्ड मुझे 100 slabs दे दो. लेकिन अब क्या होता है बेटा, उसने बोला कि लेकिन मुझे देने नहीं, लेकिन जब भी मेरी इच्छा हो जब भी मैं मांगू ना अब मुझे 100 slabs दे देना. राजा ने बोला ओके आपकी जब भी इच्छा हो मैं दे दूंगा. लेकिन क्यों मांगा, और राजा भी कुछ सोच में पड़ गया. अब क्या होता है, फिर वहाँ से बीरबल चला गया, मतलब उसको मारा नहीं है. ओके मतलब उसको मारा नहीं है किसने, किंग ने, लेकिन फिर भी वो चला गया. अब क्या होता है बेटा आगे, नाउ वो एकदम खुशी खुशी मांगा. बट एज सुन एज ही रीच्ड एट द फर्स्ट गेट ही हैड टू गिव 50 slabs टू द गेट कीपर. फॉर एग्जाम्पल 50 slabs. यस अब मजा आई, वो जब फर्स्ट गेट पे पहुंचे ना, क्योंकि फर्स्ट गेट कौन सा होगा, जब वो पैलेस के अंदर एंटर हुआ ना तो ये फर्स्ट गेट था. अब किंग के पास पहुंच गया है, अब किंग की जो पहले उसका जो रूम था उसका जो कोर्ट था वहाँ से बाहर निकल रहा है, तो फर्स्ट गेट कौन सा आएगा, ये आएगा ना जो लास्ट में था उसके थर्ड. तो उसको कितना दे दिया, 50 slabs. कितने स्लैब्स दिए, बड़े दम दमा के चमचमा के, ये शट. कितने स्लैब्स मार दिए, ये आप लोगों को तो लगी तो नहीं ना, वीडियो नहीं देखते हो ना आप लोग, रुको. अरे नहीं मारूंगा बेटा, डोंट गेट इन टेंस यार. यस आई विल नॉट गिव यू पनिशमेंट. यस पनिशमेंट तो दूंगा लेकिन ये वाली नहीं दूंगा, टेंशन मत लो. तो जो फर्स्ट गेट कीपर को कितना दे दिया, 50 slabs. बीरबल को पता था, देखो अब पता चला है बीरबल का जो क्लेवरनेस थी ना वो अब पता चली है, उसको पता चल गया ना कि 1/10 तो फर्स्ट वाले ने मांगा था, 250 ने मांगा 1. तो जब ये लास्ट वाले जब किंग के पास पहुंचा ना, तो बीरबल ने सोच लिया था कि 1/10 फिर 250 और 1/2 यानी कि हाफ. तो उसने ये सोचा कि मेरे को कुछ ऐसा प्राइस मिले कि वो प्राइस मैं उन लोगों को सबक सिखा सकूँ. किस इन लोगों को सबक सिखा सकूँ, इन लोगों को गेट कीपर को. इसने उसने 100 slabs मांगे. क्या मांगे, 100. देखो बेटा यहाँ से पता चल रहा है कि जो बीरबल था ना वो कितना होशियार था, कितना जोरदार, कितना क्लेवर था. ओके अब क्या होता है, वो जब ये गेट पे पहुंचा तो उसको 50 slabs फाट 50 slabs दे देता है. फिर क्या होता है, ओके व्हेन ही रीच्ड द सेकंड गेट ही हैड टू गिव 40 slabs टू द गेट कीपर. फाइनली व्हेन ही रीच्ड द लास्ट गेट
ही हैड टू गिव 10 slabs. ओके, फिर वो सेकंड गेट पे जाता है. सेकंड गेट को जो गेट कीपर होता है ना, अब तो सबको पता चल गया है, गेट कीपर्स को भी पता चल गया है, चल गया था कि उसने क्या प्राइस में मांगा. तो वो गेट कीपर कुछ बोल भी नहीं सकता है ना, बराबर. आप लोग सोचेंगे सर गेट कीपर ने सामने नहीं मारा बीरबल को, नहीं नहीं मार सकते ना, क्योंकि पता चल गया, किंग को भी पता चल गया है धीमे धीमे कि गेट कीपर ने इसे प्राइस मांगा है. ओके, तो बीरबल ने लेकिन बोला कि किंग आप कुछ भी मत करो, प्लीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है, आप गेट कीपर को कोई भी पनिशमेंट मत देना. ठीक है, इन्होंने जो मेरे से जो हिस्सा मांगा था ना, फर्स्ट वाले इतना सेकंड इतना, तो वो मैं उनको देने वाला हूँ. किंग ने बोला ओके आप रिक्वेस्ट करो, तो मैं क्योंकि वो पोएट था ना तो उसकी बात मान ली किंग ने. देखो बेटा टाइम हो गया, फटाफट यहाँ पे ध्यान देना. तो गेट राजा ने कुछ नहीं बोला, ये गेट कीपर भी चुपचाप खड़े रहे ऐसे, और खड़े हो गए और शॉट शॉट दे दिया सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, लास्ट वाले को कितना दिया 10. अब 100 स्टेप्स तो पूरे हो गए, अब बीरबल को एक भी स्टेप्स मिला नहीं. ओके, फिर क्या होता बेटा, दस बीरबल गेव 50 + 40 + 10 इज इक्वल टू 100 स्लैब्स एज डिमांडेड बाय 3 गेट कीपर्स. ड्यू टू हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड बीरबल डिड नॉट गेट अ सिंगल स्लैब. ओके, क्या लिखा है कि जैसे बीरबल ने बोला था ना, सो दस बीरबल ने सारे स्टेप्स दे दिए, 100 स्टेप्स दे दिए एज डिमांडेड बाय द गेट कीपर. जो गेट कीपर्स ने जो डिमांड की थी ना कि मुझे इतना प्राइस देना, मुझे प्राइस के अंदर उन्होंने क्या सोचा था, कॉइंस, गोल्ड कॉइंस, सोने के सिक्के सोचे थे, लेकिन उसकी जगह ठेंगा मिला. ठेंगा भी नहीं मिला, स्लैब्स मिला, चमचमा के शट 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 दे दिया बीरबल ने. ओके, उनको सबक सिखाना था बेटा, क्योंकि ये तो सारे कैसे ग्रीडी थे. ओके, नाउ लास्ट लाइन, और बीरबल को एक भी स्लैप नहीं मिला. देखो लास्ट लाइन, एंड कुड टीच अ लेसन टू गेट कीपर. और वो जब वहां से गया ना, तो क्या हुआ बेटा, उसने सारे गेट कीपर्स को एक सबक सिखा, एक लेसन सिखा के वो गया घर पर. ठीक है, क्या लेसन सिखाया इससे, क्या हमको पता चला कि इन द लाइफ वी हैव टू नेवर ग्रीडी. ओके, वी हैव टू, यस हमको कभी भी ग्रीडी बनना चाहिए नहीं, यस. ओके बेटा, हमको कभी भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब लालच होती है, लालच आपको पता है टाइटल है ऐसी हिंदी में एक स्टोरी में, कभी आप स्कूल चाड़ोगे ना आपको सुनाऊंगा, लालच बुरी बला है. यानी लालच जो है ना बुरी चीज़ है, बला का मतलब होता है बहुत गंदा है, बहुत अच्छा नहीं. मतलब जब भी लालच हमारे अंदर आ जाती है ना, जरूरी नहीं आती सबके अंदर. देखो लालच बहुत टाइप्स की होती है, ठीक है, जैसी कैसी लालच, जैसे कि आप पापा आपको घुमाने ले गए, पापा ने बोला बोल बेटा यार तेरे को क्या दिलाऊं मैं, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं. फिर सोचोगे कि पापा ने बोला ही है ना क्या दिलाऊं, आ तो बहुत बड़ी चीज़ मांग लेता हूं. ओके, पापा ने बोला चल बेटा तेरे को मैं 20 rupees वाली डेयरी मिल्क दे देता हूं. सोचे कि चलो पापा ने बोला तो मैं 185 वाली डेयरी मिल्क मांग लेता हूं. फिर पापा ने बोला बेटा तेरे को टॉयज़ में क्या चाहिए, आपने सोचा वो टॉय कार आती है, फिर टॉय स्कूटर मैंने अभी अभी मेरे सन को दिलाया है, वो टॉय कार आती है ना. देखो आप लोग डिमांड मत करना अपने मम्मी पापा के साथ, नहीं तो आपके मम्मी पापा भी मुझे पूछेंगे सर आपने मेरे बच्चे को क्या बोल दिया है, कार लेने को बोला है. एक्चुअली मेरा सन ने मेरे को कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन मेरा सन है ना क्रैनिल, उसका नाम क्रैनिल है, तो उसको मैंने टॉय जो कार आती है ना उसके अंदर बैठ सकते हैं, मतलब चला सकते, ऐसे मैंने उसको डिमांड, विदाउट डिमांड उसकी बर्थडे में मैंने गिफ्ट किया था. ओके, नाउ कम बैक. तो बेटा हमको कभी भी ऐसे ग्रीडी नहीं बनना है. ओके, बिकॉज देन हमारा जो कल्चर बहुत अच्छा है, कल्चर यानी हमारे संस्कार बहुत अच्छे ना, हमको मम्मी पापा जो भी देते ना उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके, इसके जैसा नहीं बनना चाहिए. तो जब लास्ट ईयर हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि मिनिस्टर कैसे बना, बीरबल मिनिस्टर कैसे बना, तो अब पता चला कैसे मिनिस्टर बना होगा. फर्स्ट टाइम तो वो यंग बॉय था और पोएट था, वो जब गया था ना किंग के वहाँ पे तो पोएट बन के गया था ना, पोएट ही था ना वो, पोएट्स लिखे गया था उसने बहुत सारी पोएट्री लिखी थी. ओके, और गेट कीपर को क्या सिखा के गया, वो सबक सिखा गया, लेसन पढ़ा के गया, लेसन यानी सबक सिखाया, बराबर, कि भाई कभी लालच मत करो. और किंग को पता चल गया, जब किंग को पता चला कि हाँ बीरबल में कुछ तो बात है, वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और तब से फिर अकबर ने बीरबल को क्या बना दिया कि हाँ ऐसे इंसान को मैं अपने यहाँ पे नौकरी रख लूँ तो मुझे तो बहुत सारा फायदा होगा, और मेरा जो पूरा जो मतलब दरबार है, मेरा पूरा जो क्या ये पूरा जो मतलब मेरा जो स्टेट है, बराबर, ये स्टेट यानी उसका जो मतलब जहाँ पे वो राज्य राजा था, तो बोले पूरा अच्छा चलेगा और मुझे कुछ मतलब सीख भी देगा ना, वो सिखाएगा भी किंग ऐसा करना चाहिए, तो उसको फिर क्या बना दिया मिनिस्टर. ओके, तो बेटा आज का आपका होमवर्क है, बताएं
ये जो ग्रीडी गेटकीपर्स है ना, इसको आप लोगों को 3 times पढ़ना है। कितने टाइम्स? 3 times। और ये सारी ब्लैंक है ना, फर्स्ट ब्लैंक के अंदर, सेकंड ब्लैंक के अंदर, थर्ड ब्लैंक के अंदर ये आपको लिखना है। और फोर्थ वाली ब्लैंक थी ना, वो 1000 कॉइंस लिखा है। इसने तो दो चीज सोची ना, इसने पहले सोचा, हाँ पहले 100 कॉइंस का सोचा तो 50 होगा, फिर सोचा कि 1000 कॉइन मिलेंगे तो कितना आएगा वो वाली ब्लैंक में, 500। तो ये स्टोरी आप लोगों को 3 times पढ़नी है। और ये अभी आज का वीडियो है ना, थोड़ा लंबा हो गया है, ये वीडियो को आपको 3 times देखना है। कितने टाइम्स देखना है बेटा? 3 times। ऑल हैव टू सी दिस वीडियो, ओके। तो ये बहुत मज़ेदार स्टोरी थी, इस स्टोरी से हमको ये पता। अच्छा, आपने सोचा ये स्टोरी ये वाले चैप्टर में क्यों रखी गई? क्योंकि हम, ये चैप्टर का नाम क्या है? पार्ट्स एंड होल्स, ओके। यानी पार्टीशन करना और फिर उसको कंप्लीट करना। तो देखो, हमने यहाँ पे पार्टीशन किया, 100 कॉइन्स था ना, 100 कॉइन्स, 100 कॉइन्स को हमने पार्ट करना, यानी मैंने सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, तोड़ देना, छोटे छोटे पीसेस करना। तो 100 को तीन अलग अलग तरह से हमने पीसेस किए, एक 1/10 पीस किया, फिर 2/5 उसका पीसेस किया, और फिर 1/2 यानी हाफ, ओके। ये 1/10 है बेटा, और ये 1/2 यानी हाफ। मैंने अभी बताया था, कोई भी नंबर को हाफ बनाना, यानी उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो हमने 100 को ये तोड़ दिया, 100 को जब हमने तोड़ा ना, इसके हिसाब से पार्ट्स किया, तो ऐसा ऐसा पार्टीशन हुआ, राइट। और फिर से तीनों को मिक्स कर दो, तीनों को मिक्स कर दो, यानी सारे पार्ट्स को भीगा कर दो, मिक्स कर दो, तो होल बन गया। और दैट इज अवर चैप्टर नेम, पार्ट्स एंड होल्स। तो ये स्टोरी बहुत मज़ेदार है, इसलिए जो गवर्नमेंट है ना, उसने ये स्टोरी ये वाले चैप्टर के अंदर स्पेशली हमको रखी है सीखने के लिए, आपको सिखाने के लिए, बराबर, ओके। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का मैंने होमवर्क बता दिया, 3 times वीडियो देखना है, 3 times स्टोरी पढ़नी है, ये सारी सीख देना, ओके। तब तक मिलते हैं बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ओके। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय बाबा सीताराम, जय महादेव, सलाम वालेकुम, सब कुछ, ओके, बाय बाय।